हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक सेट आया है LG का सेट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने पावर दिया तो चलिए स्टैंड बाय ऑन करते हैं। तो स्टैंड बाय ऑन किया और अब ये देख सकते हो इसका प्रॉब्लम, इसमें से कटा हुआ है डिस्प्ले। इसका जो पिक्चर है वो इधर भी नहीं है, इस साइड में नहीं है, इस साइड है। तो ये प्रॉब्लम, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो, ये एक ही कारण होता है, ईओक कॉइल के कारण होता है। तो पहले हम ईओक कॉइल को नहीं देखेंगे, ईओक कॉइल के वायर को देखना पड़ेगा। चलिए तो पहले फटाक से हम लोग टीवी को खोल लेते हैं। चलिए टीवी को खोलते हैं। तो म्यूट कर दो। तो टीवी को हमने खोल लिया है, तो चलिए खोलते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं इसका, ये हमने खोल लिया है टीवी को। खोलने के बाद आप अभी देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हम इसका जो सारा प्लग है उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद टीवी को उल्टा करेंगे, टीवी का बोर्ड को उल्टा करेंगे। टीवी के बोर्ड को उल्टा करके हम देखेंगे ईओक कॉइल के किसी भी वायर में। ये देख सकते हो, अब सब लोग देख सकते हो कि इसको जो सोल्ड है वो अच्छी है। तो और एक काम करेंगे, इसको पहले से ये जो ईओक कॉइल है इसको हम मीटर से माप लेंगे कि इसमें कितना ओम्स है। तो एक काम करना पड़ेगा, ईओक कॉइल को मापने से पहले आपको पीसीबी से वायर को निकालना पड़ेगा। तो चलिए पीसीबी से वायर को निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ रहता है पीसीबी का वायर, देखिए हाँ यहाँ रहता है पीसीबी का वायर। तो अभी हम पीसीबी को वायर को निकाल दिया है, ये रहा। तो दोस्तों अभी हम ये कॉइल की वायर को मापेंगे। तो ये कॉइल की वायर को मापने से पहले हम लोग मीटर ले लेंगे। मीटर को पहले हम बाजर रेंज पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो बाजर पे है। तो चलिए अभी हम इसे मापते हैं। तो पहले हम मापेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन को, ये देख सकते हो इसमें कितना ओम्स है। और चलिए इसके साथ साथ मैं एक नया वाला लेके दिखाते हैं आपको कि इसमें कितना है। ये मैंने ले लिया एक नया ईओक कॉइल, ये देख सकते हो ईओक कॉइल को आप लोग। ये रहा इसका नंबर, हाँ ये रहा इसका नंबर, आप सब लोग देख सकते हो। तो चलिए इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन को माप के देखते हैं कितना होता है। तो ये हमने ले लिया, तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो कि इसमें 6.0 आ रही है। तो पुराने वाला जो है उसका ओम्स ज़्यादा हो गया, हाई हो गया है, देख सकते हो आप लोग।
तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद अभी हम वर्टिकल को मापेंगे। वर्टिकल का OIR ये दोनों हैं, इसको मापेंगे। चलिए मापते हैं। ये देख सकते हो इसका अभी। चलिए नया वाला को टेस्ट करके देखते हैं। वर्टिकल वर्टिकल ये देखिए, अभी हम मापेंगे। ये रहा, ये देख सकते हो आप लोग वर्टिकल, ये आप लोग देख सकते हो। इसका मतलब है वर्टिकल हमारा ठीक है, ओम्स कुछ ज़्यादा कम है। तो चलिए अभी हम सीधा जाएंगे इस सेक्शन में, टीवी का ये कॉइल के सेक्शन में चलेंगे। तो चलिए अभी हम इसे खोलेंगे। ये रहा हमारा बेसबोर्ड, खोल लिया है। तो अभी इसको खोलेंगे। इसको खोलेंगे, ये हमने खोल लिया है इसको। इसको खोलने से पहले ध्यान रहे आप एक मार्क कर देना। तो भाई साहब एक बार घूम जाए तो आप इसको सही नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसको मार्क कर ले, किसी से मार्क कर ले, पेन पेंसिल जो कुछ भी हो। तो अभी हम ये कॉइल को खोलेंगे। यो कॉइल को धीरे धीरे से खोलना, कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। चलिए यो कॉइल को खोलते हैं। और ये देखो दोस्तों, इसका वायर जो है इधर देख सकते हो आप लोग, ये जल गया है, पूरा सब कुछ जल गया है इसमें, ये जल गया है, सब कुछ जल गया है। तो इसका मतलब है इसको यो कॉयल में दिक्कत है। तो इसको यो कॉयल चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए तो नया लगेगा, तो मैंने तो नया अभी सेम सेम लिया है नया। तो चलिए इसको वायरिंग करते हैं पहले नया का, पुराने से, पुराने वाला और नया वाला टू का भी करेंगे। तो इसमें साइड इसको साइड में रखते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। चलिए पुराने वाले में जैसा जैसा है सेम आपको करना है। एक वायर इधर सामने, दो वायर जो है हॉरिजेंटल, और पीछे का तीन है बीच वाला, बीच में जो है वो खाली रहेगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों इसको इसका और कोई काम नहीं है, तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी हमने नया ले लिया है, ये देखिए अभी हमने नया वाला ले लिया है, तो ये नया वाले से काम चलाएंगे अभी। चलिए तो तार को पहले छील लेंगे। वायर को मैंने छील लिया है अच्छे तरीके से। तो
रेड और ब्लू को सामने लगाएंगे, सामने रेड और ब्लू वायर ऑल टाइम सामने रहता है, ठीक है। चलिए ये और ये दोनों हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हैं हॉरिजॉन्टल का पिन, और इसका पीछे होगा वर्टिकल, और इसके पीछे भी एक होगा ये वर्टिकल, ये जो बीच वाला है वो सिंगल रहेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके पे फटाक से सोल्ड करते हैं। ध्यान में रहे कि वायर इधर उधर ना लगाए, इधर उधर वायर लगाने से वर्टिकल आईसी गर्म होके फट सकती है। ठीक है, तो गाइस जो भी चैनल पे नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, सब लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों यो कॉइल को लगाने से पहले हमने तो आप लोग देख सकते हो, हमने तो मतलब वायरिंग कर दिया है, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना कितना गंदगी है यहाँ, तो पहले हम इसे साफ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो इसको साफ कर लेना चाहिए, तो साफ हमने कर दिया है पहले से, थोड़ा पॉज कर लिया था नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो अभी अभी ये कॉइल को लगाएंगे, ध्यान से लगाना, यहाँ लगाएंगे, ये लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे, हल्का सा टाइट करना, ठीक है। हल्का सा क्यों टाइट करना, क्योंकि पिक्चर टेढ़ी है, पिक्चर मतलब पिक्चर घूम जाए, तो आप इससे ही सही कर सकते हो। अभी हम लगाएंगे इस कलर रिंग को, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें निशान कर देना, तो मैंने देख सकते हो यहाँ पे निशान कर दिया था, यहाँ पे निशान हमने कर दिया था, तो इसके हिसाब से हम इसको लगाएंगे। ये देख सकते हो मैंने निशान लगाया था, एकदम मेजरमेंट करके हमने यहाँ इसको बिठा दिया है। तो अभी एक ही काम इसको टाइट कर देंगे, इसको इसको टाइट कर देंगे, तो अभी इसको टाइट कर दिया है हमने। तो अभी हम बेस को लगाएंगे, सॉरी बेस को नहीं, बेस बोर्ड को, ये बोर्ड छोटा बोर्ड हम लगाएंगे। ध्यान रहे ग्राउंड का, जो आप लोग ध्यान रखना ग्राउंड का पॉइंट होना चाहिए। अभी हम ईओक की जो पॉइंट है अभी पीसीबी में डालेंगे, तो चलिए पीसीबी में डाल देते हैं। ये रहा, हमने यहाँ पे इसको डाल दिया है, तो ये रहा साउंड के वायर देंगे इसमें, मतलब जो जो वायर था, ये डिकोजिन का वायर, और अभी हम पावर की वायर देंगे, ये रहा मैंने पावर की वायर दे दिया है। पावर की वायर देने के बाद ये देख सकते हो, हाँ अभी हम इसको पावर देंगे, तो चलिए घुमा लेते हैं,
इसको अभी हम पावर देंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, मैंने पावर दे दिया है, ये रहा पावर मैंने दे दिया है। अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि पिक्चर हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो पिक्चर हमारा सही हो चुका है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, हम ए भी देंगे, ए भी का मतलब पिक्चर देंगे हम। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो पिक्चर हमारा उल्टा हो गया है, पिक्चर हमारा उल्टा हो गया है। इसको जो ये देख सकते हो, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये भी जो जो आ रही है लोगो चैनल का, वो ये उल्टा आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखाते हूँ क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल की जो ये वायर है, ये वाला सामने वाला और ये वाला, इसको घुमाना है। तो आप लोग पीछे का घुमाकर भी देख सकते हो, लेकिन सामने का पीछे, पीछे का सामने ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ सामने जो दो वायर है इसको ही अप डाउन करना है, पीछे का जो वायर है इसको ही अप डाउन करना है, ठीक है। तो चलिए हम वायर को घुमा के दिखाते हैं फटाक से। तो पहले हम लोग पावर को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद ही खोलना, डायरेक्ट काम नहीं करना। तो लाइनें मैंने ऑफ कर लिया है, तो अभी हमने वायरिंग कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी अभी हम देखेंगे, अभी फिर से हम पावर देंगे। ये रहा मैंने पावर दे दिया है, ये रहा मैंने पावर दे दिया है। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो अक्षर है वो सही हो चुका है। तो आप लोग गौर कर सकते हो कि पिक्चर जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसको ठीक करना है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यो कॉइल को घुमाना है, तो ध्यान रहे किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, और ये चीज़ खुद मत कीजिए, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के तभी मतलब उसको देना, आप खुद मत करना, शॉक लग सकता है। आप लोग देख सकते हो ये कॉइल को मैंने घुमा रहा हूँ और इसके साथ साथ पिक्चर भी घूम रही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों देखा मैंने किस तरह से किया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी चैनल पे नए हो